हेलो गाइस, वेलकम टू दिजिटल न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की अपकमिंग मूवी मार्वल स्टूडियो फेज 4 की पहली मूवी ब्लैक विडो के बारे में। ब्लैक विडो जब सैन डिएगो कॉमिक कॉन में अनाउंस हुई थी तो हमें क्या क्या अपडेट जानने को मिले और फ्यूचर में और क्या देखने को मिलेगा ब्लैक विडो से रिलेटिव। तो बात करेंगे इसकी रिलीजिंग डेट के बारे में, इसके ऑफिशियली लोगों के बारे में, इसकी कास्ट के बारे में, इसके विलन्स के बारे में और इस मूवी की टाइमलाइन के बारे में, और बात करेंगे कुछ एस्ट अपडेट के बारे में। और वीडियो की एंडिंग में एक क्वेश्चन है जो कि मैं आपसे पूछूंगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिस वीडियो, और वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि अपडेट काफी ज्यादा कमाल के हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले मार्वल स्टूडियो फेज 4 के बारे में। तो मार्वल स्टूडियो फेज 4 2020 से 2021 तक है, यानी कि सिर्फ 2 साल का, जिसमें कि 5 मूवी देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले मूवी है ब्लैक विडो, जो कि मार्वल स्टूडियो की पहली मूवी है जिसमें हमें नया इंट्रो लोगो देखने को मिलेगा, और 1 मई 2020 को ये मूवी रिलीज हो रही है। उसी के साथ ब्लैक विडो का ऑफिशियली लोगो आप जो देख रहे हो मेरी स्क्रीन पर वो ये है। देन बात करते हैं कि पूरी कास्ट सैन डिएगो कॉमिक कॉन के बाद एंटरटेनमेंट वीकली पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने गई थी, जिसमें कि पूरे कैरेक्टर की कास्ट के बारे में पता चला, कौन सा कैरेक्टर क्या कर रहा है और देन उनकी खासियत क्या है, उनके पूरे रोल के बारे में पता चला। तो सबसे पहले जो कैरेक्टर आ रहा है फेमस ब्लैक विडो, जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में पहले भी काम कर चुकी है, स्कारलेट जॉनसन, जो कि नताशा रोमानोव का कैरेक्टर प्ले करती है, एक ही ब्लैक विडो का, काफी ज्यादा कमाल का कैरेक्टर है। और देन उसके बाद सेकंड कैरेक्टर है डेविड हार्बर, जो कि एलेक्स का रोल प्ले करने वाले हैं, एक ही रेड गार्डियन का। ये कैरेक्टर कुछ कैप्टन अमेरिका टाइप का है, जिसके पास एक शील्ड भी है। देन फ्यूचर में क्या होता है ये तो मूवी में पता चलेगा। देन नेक्स्ट कैरेक्टर है फ्लोरेंस प्यूग, जो कि एलेना का रोल प्ले कर रही है, एक ही ब्लैक विडो का। तो हमें 2 ब्लैक विडो देखने को मिल रही है। और देन उसी के साथ जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है रेचल, इनको आपने द मम्मी मूवी में देखा होगा, ये मिलेना का रोल प्ले कर रही है, एक ही आयरन मेडियन का, काफी खतरनाक विलेन है ये वाला। देन उसके बाद अगला कैरेक्टर ओटी, जो कि फैक बनेले रोल प्ले कर रहे हैं मेंशन का। अब इनका कैरेक्टर कंफर्म नहीं हुआ है, मुझे लगता है शायद ये टास्क मास्टर हो सकता है। अब बात करते हैं ऑफिशियली कॉन्सेप्ट आर्ट के बारे में, जो कि सैन डिएगो कॉमिक कॉन में लॉन्च हुआ था। यहाँ पर ब्लैक विडो टास्क मास्टर से लड़ती नजर आ रही है, उसकी ऑफिशियली शील्ड भी काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, और ये मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा अपने कम्युनिटी टैब पर। देन नेक्स्ट जो विलेन है इस मूवी में, यानी कि 2 विलेन है, वो है आयरन मेडियन, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो ये 2 कैरेक्टर धमाल मचाने वाले हैं। अब बात करते हैं ब्लैक विडो की ऑफिशियली टाइमलाइन के बारे में। तो काफ़ी लोगों को मैं बता दूं कि ब्लैक विडो बचपन से दिखाई जाएगी, यानी 1996 से, और फिर डायरेक्ट ये स्टोरी होगी सिविल वॉर के बाद की और इन्फिनिटी वॉर से पहले की। तो ये है इसकी टाइमलाइन, और देन काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने दोनों चीज़ क्लियर कर दी। उसके बाद अब बात करते हैं सवाल के बारे में, क्या इस मूवी में हॉकाई होगा या नहीं। कितने लोगों को लगता है होगा होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब बात करते हैं आज के टुडे अपडेट के बारे में। तो ब्लैक विडो की ऑफिशियली सेट फुटेज देखने को मिली है। अब इस सेट फुटेज का आपको ब्रेकडाउन करके बताता हूँ। तो ब्रेकडाउन से ये पता चला एक्चुअल में कि ब्लैक विडो एक हेलीकॉप्टर में रशियन के हाईजैक कर आती हैं, और वो यहाँ पर क्रैश हो जाता है, जिस हेलीकॉप्टर का कोड होता है MI-8, जो कि काफ़ी कमाल का हेलीकॉप्टर है, जैसा कि वो क्रैश होके पड़ा हुआ है। और ब्लैक विडो फिर एक किसी घर में रहती है, तो कहीं ना कहीं लड़ाई जे टास्क मास्टर से वो लड़कर क्रैक हो हाईजैक हो जाती है एक तरीके से, समझ रहे हो ना, मतलब काफ़ी कमाल का सीन होने वाला है। और डायरेक्टर ने और प्रोड्यूसर ने प्रॉमिस करा कि इस मूवी में आपको बेस्ट से बेस्ट एक्शन सीन देखने को मिलेंगे, और इसका जो वर्किंग टाइटल है वो है ब्लू बियॉन्ड। तो गाइस, ये थे ब्लैक विडो के फुली अपडेट, जो कि आपको सैन डिएगो कॉमिक कॉन में नहीं जानने को मिले होंगे। और देन जो भी फ्यूचर से रिलेटेड अपडेट आएंगे ब्लैक विडो से, तो मेरे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, आपको सारे अपडेट जानने को मिल जाएंगे। तो गाइस, कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली मैं आपको ये वीडियो पसंद आता तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो मंदिर इस वीडियो को नहीं देख रहे हो, या तो उसे कैप्टन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।